प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्ययन में हमने बाइबल परिचय चालू किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताना चालू किया था कि धर्मशास्त्र बाइबल किसने लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा आदि। पिछला हमारा जो अध्ययन था उसमें मुख्यतया मैंने आपको ये बातें बताई कि किस तरह से परमेश्वर के वचन की पुस्तकें लिखी गईं, खासकर लिखने के लिए उनके पास क्या सामग्री थी, और लिखने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से उसकी कॉपी की गई और किस तरह से ये पुस्तकें हमारे पास पहुंची, और किस तरह से जो है फाइनली जब पेपर का आविष्कार हुआ तो इस तरह सजिल्द हमको मिलने लगा। मैंने तब ये प्रॉमिस किया था कि बाइबल में जो 66 पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को एक एक करके हम लेंगे, और उनमें से एक एक पुस्तक के लेखक और कब लिखा गया और विषय वस्तु क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आज बाइबल की सबसे पहली पुस्तक के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हम सब, चाहे मसीही हों या गैर मसीही हों, हम सब जानते हैं कि बाइबल की 66 पुस्तकों में से पहली पुस्तक उत्पत्ति कहलाती है। उत्पत्ति इसलिए कहलाती है कि उसमें इस पूरे विश्व की उत्पत्ति से लेकर मनुष्य की सृष्टि और आगे के विवरण दिए हुए हैं। एक औसत मसीही के लिए उत्पत्ति एक कहानी की किताब है। संडे स्कूल के किसी बच्चे से पूछ लीजिए तो वो कहेगा कि हाँ, उसमें आदम हव्वा की कहानी मिलती है, नूहा के समय जो जल प्रलय हुआ था उसकी कहानी मिलती है, बाद में आगे इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने की कोशिश की परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसकी खबर मिलती है। उसके पहले बाबुल नाम की जगह पर एक बहुत बड़ा गुम्मट बनाने की उन्होंने कोशिश की, उसकी कहानी मिलती है। इब्राहिम के बाद इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, और उसके बाद बच्चे लोग किसी तरह से नहीं भुला सकते यूसुफ की कहानी की, किस तरह से जलन, आपसी जलन और द्वेष के कारण उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था, और किस तरह से वो गुलाम के रूप में मिस्र गया, और वहाँ पर परमेश्वर ने किस तरह से उसकी सुरक्षा की और किस तरह से उसने अपने परिवार की सुरक्षा की। एक बच्चा जब उत्पत्ति को कहानियों से भरी पुस्तक कहता है तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं है, बच्चे की समझ हर विषय में काफी सीमित होती है। लेकिन कई बार बड़े लोग भी उत्पत्ति को सिर्फ एक कहानी की पुस्तक समझते हैं, जबकि उत्पत्ति परमेश्वर के वचन के धर्मशास्त्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब मैं धर्मशास्त्र नाम का उपयोग करता हूँ तो आप में से कई लोगों को लगेगा कि मैं बाइबल के बारे में बोल रहा हूँ, खासकर इसलिए कि पुराने जमाने के कई हिंदी बाइबल्स के ऊपर धर्मशास्त्र नाम लिखा हुआ है, जबकि सही जो नाम है वो या तो पवित्र शास्त्र होना चाहिए या मेरे हाथ में ये जो एडिशन है इसके ऊपर पवित्र बाइबल लिखा हुआ है, तो या तो पवित्र शास्त्र या पवित्र बाइबल होना चाहिए। पुराने कई बाइबल्स में धर्मशास्त्र जो शब्द लिखा है उसके कारण कई लोग सोचते हैं कि धर्मशास्त्र बाइबल का नाम है। नहीं, धर्मशास्त्र अलग विषय है, पवित्र शास्त्र अलग विषय है। दोनों के बारे में अंतर आज मैं यहाँ अंतर का उल्लेख करूँगा। तो बाइबल की 66 पुस्तकों में जो धर्मशास्त्र मिलता है उस धर्मशास्त्र की आदि और उस धर्मशास्त्र का महत्व उत्पत्ति की पुस्तक में हमको मिलता है। आप पूछेंगे कि अच्छा, यदि ऐसा है तो ये धर्मशास्त्र क्या चीज है? आपने अंग्रेजी का शब्द थियोलॉजी सुना होगा। थियोलॉजी का मतलब है बाइबल अलग अलग विषयों के ऊपर जो
बोलती है उन सब का सारांश या उनका क्रोड़ीकृत रूप। थियोलॉजी जो अंग्रेजी शब्द है उसका सही हिंदी अर्थ है धर्मशास्त्र, मनुष्य, ईश्वर, मनुष्य का पाप, पतन, उद्धार, इन सब बातों से के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, इन सब चीजों का संग्रह है धर्मशास्त्र या थियोलॉजी। तो उत्पत्ति सिर्फ एक कहानी की पुस्तक नहीं है, यह सच है कि उत्पत्ति में हमको बहुत सारी कहानियां देखने को मिलती हैं। बच्चों के हिसाब से ये सब कहानियां हैं, लेकिन एक परिपक्व व्यक्ति परमेश्वर के वचन के संदर्भ में जब उन्हीं चीजों को देखता है तो वो ये पाता है कि ये कहानियां नहीं हैं बल्कि इतिहास है। इतिहास जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनको कहानी के समान सुनाया जाता है जिससे कि बच्चे उसको याद रखें, लेकिन वास्तव में उत्पत्ति में हम जो देखते हैं, आदम, नूआ, बाबुल का जो गुम्मट था, इब्राहिम, इसाक, इसाक को बलिदान करने की घटना, याकूब, यूसुफ को बेचने की घटना और यूसुफ ने अपने परिवार की जो सुरक्षा की यह घटना, ये सब कहानी के रूप में इतिहास है। वो भी मनुष्य का इतिहास मात्र नहीं है, इसमें हर जगह हम मनुष्य को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर मनुष्य का इतिहास दैवी कोण से, परमेश्वर के नजरिए से लिखा गया है। और यदि हम उत्पत्ति की एक एक पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का हाथ हमेशा हर जगह नजर आएगा। तीन चीजें हैं जब उत्पत्ति का अध्ययन हम करते हैं, बल्कि उत्पत्ति नहीं, बाइबल की 66 पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तीन बातें हम बार बार देखते हैं। एक, परमेश्वर की कृपा, अपनी असीमित कृपा के कारण मनुष्य को जो जो चाहिए प्रभु उन सब चीजों का इंतजाम करते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो हम उत्पत्ति में और अन्य पुस्तकों में देखते हैं वो है मनुष्य का पतन। प्रभु से वो जो कुछ पा सकता है, सब कुछ पा के, सबका आस्वादन करके, या सही शब्दों में कहा जाए तो हर चीज का शोषण करने के बाद जरा सी उसको परेशानी होती है तो वो तुरंत परमेश्वर के विरुद्ध जो है परमेश्वर के विरुद्ध हो जाता है। उत्पत्ति के इतिहास से लेकर सारे परमेश्वर के वचन के इतिहास में हम बार बार यही देखते हैं। पहली बात, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा। दो, मनुष्य का बलवा, परमेश्वर से बलवा करता है। तीन, परमेश्वर की करुणा। बलवा जो करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन प्रभु बार बार अपने बलवाई बच्चों को अपनी करुणा देते हैं, करुणा दिखाते हैं। ये तीनों बातें हम बार 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 उत्पत्ति में देखते हैं, और ये हम सबको ये बात याद दिलाती है कि मैं और आप भी परमेश्वर की दया के कारण अपने जीवन में जो कुछ बने हैं बन सके हैं, जो अनुग्रह पा सका है वो पा सके हैं, और परमेश्वर की कृपा के कारण हमको नव जीवन मिला है, एक अनंत जीवन मिला है, शाश्वत जीवन मिला है। लेकिन जैसे ही जीवन में जरा सी परेशानी हो जाती है वैसे हम प्रभु से बलवा करते हैं, रिबेलियन, और बाद में अपने बलवे का जब हम फल देखते हैं तो रोते गाते हुए प्रभु के चरणों में जाते हैं, और प्रभु हमेशा मनुष्य ने जो किया है उसकी सजा देने के बदले मनुष्य के ऊपर अपनी करुणा दिखाते हैं। प्रभु हमेशा करुणामयी और दयालु है, इस बात को याद रखें। तो उत्पत्ति में ये बात हम बार बार देखते हैं। इतना ही नहीं, पवित्र शास्त्र, बाइबल की ये जो पहली पुस्तक है ये धर्मशास्त्र के सारे जो ब्रांचेस है या उसके जितने हिस्से हैं उन सब के बारे में या उन सब से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हमको बताती हैं। आप कहेंगे धर्मशास्त्र के महत्वपूर्ण, जी हाँ,
धर्मशास्त्र के कई सारे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जिस तरह से आप एक कॉलेज जाते हैं तो वहाँ भौतिक शास्त्र होता है, रसायन शास्त्र होता है, राजनैतिक शास्त्र होता है, मनोविज्ञान होता है, ये सब कॉलेज अध्ययन का हिस्सा है या हिस्से हैं। उसी तरह से परमेश्वर के वचन में भी हम 11 प्रकार के कम से कम शास्त्र देखते हैं जिनके अंदर परमेश्वर के वचन की सारी बातों को शामिल किया जा सकता है। इनमें से सबसे पहला है मानव शास्त्र। मनुष्य क्या है, किसने उसकी सृष्टि की, मनुष्य का स्वभाव क्या है, क्यों वो मृत्यु के अधीन हो गया, ये सारी बातें अपनी बुद्धि से मनुष्य परमेश्वर को समझ सकता है क्या, और यदि नहीं समझ सकता है तो क्यों नहीं समझ सकता, ये सब मानव शास्त्र में आता है। परमेश्वर के वचन का जो धर्म शास्त्र है उसका एक बहुत ही मुख्य हिस्सा है मानव शास्त्र। और जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में सृष्टि करें, मनुष्य की सृष्टि करें, वहाँ से मानव शास्त्र शुरू होता है। और बाइबल की सारी पुस्तकों में हम मानव शास्त्र देखते हैं, लेकिन आरंभ होता है उत्पत्ति की पुस्तक में। उसके बाद उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं पाप शास्त्र। पाप से संबंधित परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु ने मनुष्य को पापी नहीं बल्कि निष्पाप बनाया था, और निष्पाप रहने के लिए बनाया था, अपने साथ संगति के लिए बनाया था, लेकिन शैतान के फुसलाहट में गिर के मनुष्य अपने स्वयं के चुनाव से पापी बन गया। वहां से पाप शास्त्र का आरंभ होता है, और वहां से लेकर आगे मनुष्य के पाप और पाप के फल और मनुष्य का जो पाप का स्वभाव है उसके बारे में परमेश्वर के वचन में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, जिसकी आदि उत्पत्ति में होती है। जहां पाप है वहां ईश्वर के या परमेश्वर के प्रेम के कारण मुक्ति का भी प्रावधान होता है, और वो है मुक्ति शास्त्र या उद्धार शास्त्र। मुक्ति शास्त्र भी इसका भी आरंभ उत्पत्ति में ही देखते हैं, जब प्रभु ने मनुष्य से कहा या मनुष्य के बारे में कहा कि मैं उसे अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाऊं, मनुष्य शास्त्र का आरंभ हुआ। जब प्रभु ने मनुष्य से कहा कि जिस दिन तुम वर्जित फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, और मनुष्य ने उस आज्ञा का जब लंघन किया उसके साथ साथ पाप शास्त्र चालू हो गया, या पाप शास्त्र के से संबंधित बातें वहां से आरंभ हुई हम देखते हैं। लेकिन जब प्रभु ने मनुष्य के लंघन को देखकर मनुष्य के ऊपर करुणा दिखाई और मनुष्य से बोला, बल्कि सर्प और मनुष्य को आमने सामने खड़े होकर प्रभु ने सर्प से कहा, तू उसकी एड़ी डसेगा और वह तेरे सर को कुचलेगा, वहां पर हम मुक्ति शास्त्र या उद्धार शास्त्र देखते हैं। बाइबल की पहली आयत स्टार्टिंग में ही हम पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वहां पर ईश शास्त्र या ईश्वर शास्त्र का आरंभ होता है। लेकिन उसी पद को हम आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर विहार करता था या मंडलाता था। पवित्र आत्मा के बारे में हम पढ़ते हैं, और इस तरह से पवित्र आत्मा शास्त्र शास्त्र का आरंभ वहां पर होता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य से कहा था कि तू उसके सर को कुचलेगा, वो प्रभु यीशु के बारे में एक भविष्यवाणी है, और उस भविष्यवाणी के साथ मुक्तिदाता शास्त्र या ख्रिस्त शास्त्र का आरंभ होता है। बाइबल में और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम
दूतों के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से दूत आए, उन्होंने मनुष्यों से बात की, उसके साथ साथ दूत शास्त्र का आरंभ होता है। दूत शास्त्र के दो हिस्से हैं, एक वे दूत जो परमेश्वर के साथ कार्य करते हैं, और दो वे दूत जो परमेश्वर के विरुद्ध शैतान के साथ कार्य करते हैं। ये धर्मशास्त्र का सातवां हिस्सा है। धर्मशास्त्र का आठवां हिस्सा या आठवां विभाग है भविष्य शास्त्र, भविष्य में क्या होगा। इसका आरंभ जब प्रभु ने कहा था तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा, उसके साथ साथ भविष्य शास्त्र भी की भी नींव हम देखते हैं, और बाद में उत्पत्ति में हम काफी कुछ भविष्य शास्त्र के बारे में देखते हैं। हम जो नए नियम के विश्वासी लोग हैं, हम लोग प्रभु की कृपा से भरे हुए, प्रभु के कृपा से भरे हुए युग में जी रहे हैं। इस युग को कृपा युग इसलिए कहा जाता है, या चर्च एज या मसीही मंडली युग भी कहा जाता है। सही शब्द है कृपा युग। कृपा युग के बारे में भी हम काफी सारे इनडायरेक्ट सूचनाएं हम परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं। दसवां एक बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है वचन शास्त्र या परमेश्वर के वचन से संबंधित शास्त्र। ये परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर के वचन से जब कोई प्रेरणा मिलती है तो प्रेरणा कैसी होती है? और जब ये कहा जाता है कि पवित्र लोगों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर का वचन लिखा था, तो वो प्रेरणा क्या चीज है? उन लेखकों को जो प्रेरणा मिली थी और मुझे और आपको जो प्रेरणा मिलती है, वो एक ही है या अलग-अलग है क्या? और परमेश्वर का वचन सिर्फ परमेश्वर ने जिन लोगों को दिया, सिर्फ उन लोगों के पास है या और लोगों के पास भी है? ये सब आता है वचन शास्त्र में। और परमेश्वर के वचन का 11वां विभाग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक विभाग है, और ये एक ऐसा विभाग है जिससे मेरा आजीवन प्रेम रहा है, और ऐसा विभाग है जिसमें मैंने स्पेशलाइज किया है, वो है विश्वास स्थापन शास्त्र, या कुछ और जटिल हिंदी में कहा जाए तो विश्वास मंडन शास्त्र। मंडन शब्द शायद आपको एकदम से कठिन लगे, लेकिन खंडन शब्द हर कोई जानता है। हम जानते हैं कि सारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मसीही विश्वास का खंडन करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग खंडन करते हैं, उन लोगों के सामने परमेश्वर के वचन की स्थापना करने, ये बताने के लिए कि वे लोग परमेश्वर के वचन की जो गलतियां दिखा रहे हैं, वो गलतियां नहीं हैं, बल्कि या तो उनकी गलतफहमी है, या वे लोग परमेश्वर के वचन की गलत व्याख्या कर रहे हैं। इस तरह से उन लोगों को बता के जो वचन का खंडन करते हैं, उनके सामने वचन को स्थापित करने के शास्त्र को हम विश्वास स्थापन शास्त्र या विश्वास मंडन शास्त्र बोलते हैं। एक बार खंडन शब्द याद रहेगा तो उसके साथ साथ मंडन शब्द याद रखना जो है आसान है। मैंने एक अपने बहुत ही बाल्यावस्था में प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था, लेकिन शालेय शिक्षा के समय डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है, उन सब के असर में मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर काफ़ी जो है वचन के बारे में मुझे शक आने लगे, क्या वाकई में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की है? और यदि यह सृष्टि की है तो वैज्ञानिक लोग क्यों बोलते हैं कि बंदरनुमा जानवरों से मनुष्य जो है विकसित होकर बना है? इन सब बातों के या इन सिद्धांतों के असर से मैं अपने खुद के विश्वास में बहुत विचलित हो गया था। लेकिन जब मैं विश्वास में विचलित हुआ, तब बार बार मैं प्रभु से याचना करता था, प्रभु अपने वचन के बारे में मुझे प्रकाश दीजिए। मनुष्य की सृष्टि, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि आपने मनुष्य की सृष्टि की, लेकिन बहुत सारी किताबों में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य की सृष्टि किसी ने नहीं की, वो तो अपने आप पैदा हुआ,
एक अणु हुआ, वहाँ से जो है बढ़ते 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 बंदरनुमा जानवर बने, और उन बंदरनुमा जानवरों में विकास होकर मनुष्य बना। प्रभु सच्चाई क्या है ये जानने के लिए मेरी मदद कीजिए। मेरी इस प्रार्थना के दौरान प्रभु ने बहुत ही अद्भुत तरीके से बाइबल एवं आधुनिक विज्ञान नामक एक पुस्तक मेरे हाथों में रखी। वो किताब खरीदने की मेरी औकात नहीं थी, लेकिन उस मसीही पुस्तकशाला में जो भाई खड़े थे, उन्होंने जब देखा कि मेरे मन की बड़ी कामना है कि वो पुस्तक मैं खरीद सकूं, तो मेरे पास जो पैसा था उसको उन्होंने ले लिया, बाकी पैसा अपनी जेब से डालकर वो किताब खरीद के मुझे दिया। मेरे जिंदगी की काया पलट हो गई, क्योंकि उस पुस्तक का लेखक विश्वास स्थापन शास्त्र का बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, और उस विद्वान ने विश्वास स्थापन से स्थापन संबंधी ये जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक को पढ़ने पर मेरे मन में जो शंकाएं थी, वो शंकाएं धीरे 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 हटने लगी। शंकाओं के काले बादल मुझे छोड़कर जाने लगे। तब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, मेरे जैसे हजारों नौजवान नवयुवती हैं जिनको अपने विश्वास में इसी तरह की शंकाओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है। यदि आपने मेरी मदद की, तो मैं आजीवनांत दूसरे लोगों को उनकी शंका निवारण में मदद करना चाहता हूँ। और इस तरह से मैंने प्रभु को अपना जीवन जो समर्पित किया, उसके कारण परमेश्वर के वचन के अध्ययन के साथ साथ मैं बहुत सारा समय विश्वास स्थापन शास्त्र या विश्वास मंडन शास्त्र के अध्ययन में बिताता हूँ। लोग मुझे अक्सर अपने मन में जो शंकाएं हैं वो भेजते हैं, उन शंकाओं का निवारण करने की कोशिश करता हूँ। ये देखने की कोशिश करता हूँ कि अगली शंकाएं क्या होंगी, क्योंकि कई बार बाजार में जो किताबें आती हैं, उनमें से कई किताबें परमेश्वर का वचन गलत है या परमेश्वर के वचन के खंडन के लिए लिखी हुई बहुत सारी किताबें बाजार में आ रही हैं। लोग इन पुस्तकों को पढ़कर, खासकर जवान लोग इन पुस्तकों को पढ़कर अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुविधा में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए मैंने अपना जीवन विश्वास स्थापन शास्त्र के लिए या मसीही जीवन का जो लोग खंडन करने की कोशिश करते हैं, उनका विरोध करके विश्वास की स्थापना या विश्वास के मंडन के लिए मैंने अपना जीवन अर्पित किया है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैंने आपको याद दिलाया कि हम लोग जब उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं, तो कई बार उसको सिर्फ एक कहानी की पुस्तक मान जाते हैं या सोच लेते हैं या उसके बारे में ऐसा बोलते हैं, लेकिन उत्पत्ति सिर्फ एक कहानी की पुस्तक नहीं है। उसमें जो इतिहास है उसको निश्चित रूप से हम कहानी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत भी करते हैं। उसमें कोई हर्ज नहीं है। बच्चों को उनके स्तर के अनुसार ही समझाया जाना चाहिए, लेकिन हम जो कि बच्चे नहीं हैं, हमें ये बात समझनी चाहिए कि उत्पत्ति में जो बातें बताई गई हैं, जो रेखांकित की गई हैं, जो लिखी गई हैं, वे इतिहास हैं। मनुष्य इतिहास को ईश्वर के नजरिए से, ईश्वर के द्वारा प्रेरित लोगों ने लिखा है, और जब प्रभु ने इस तरह से हमारे लिए इस पुस्तक को लिखवाया है, तो इस पुस्तक के 50 अध्यायों में पवित्र शास्त्र या थियोलॉजी के 11वां भाग हम देखते हैं। मैं फिर से इन 11 विभागों के नाम एक बार आपको पढ़ के सुना दूं। पहला है मानव शास्त्र, जिसमें हम मनुष्य की उत्पत्ति और मनुष्य के स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है पाप शास्त्र, यहाँ पाप के आरंभ और पाप का फल और परमेश्वर ने पाप का क्या हल निकाला है उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है मुक्ति शास्त्र या उद्धार शास्त्र, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब मनुष्य पापी हो गया तो परमेश्वर ने उसके लिए क्या रास्ता खोला। चौथा है ईश शास्त्र, जहाँ हम ईश्वर, ईश्वर के अस्तित्व
और ईश्वर के स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं। पांचवा है पवित्र आत्मा शास्त्र, जहाँ पर हम पवित्र आत्मा के अस्तित्व, पवित्र आत्मा के स्वभाव और पवित्र आत्मा का जो कार्य है उसके बारे में पढ़ते हैं। छठवां है मुक्तिदाता शास्त्र या ख्रिस्त शास्त्र, यहाँ पर हम प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु के स्वभाव के बारे में या उनकी उनका जो नेचर है उसके बारे में और प्रभु यीशु के कार्य के बारे में पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। सातवां है दूत शास्त्र, जहाँ पर हम उन दूतों के बारे में पढ़ते हैं या सीखते हैं, एक ग्रुप जो पतित हो गया था और एक ग्रुप जो परमेश्वर के साथ मिलकर सेवा करता है। आठवां भाग है भविष्य शास्त्र, यहाँ पर भविष्य के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बताता है ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। नौवां है सभा या मंडली शास्त्र या कृपा युग शास्त्र, जहाँ पर हम देखते हैं कि कृपा युग में परमेश्वर अपने बच्चों के साथ किस तरह से विशेष रीति से पेश आएंगे। दसवां है वचन शास्त्र, जिसमें हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के वचन के बारे में क्या बोलता है, ये वचन कैसे आया, किसके द्वारा आया, क्यों आया, ये सही है या गलत है, और ये परमेश्वर का वचन सिर्फ पवित्र बाइबल में है या बाइबल के बाहर, ये सारी बातें वचन शास्त्र में आती हैं। और 11 है विश्वास स्थापन शास्त्र, जिस विभाग में हम ये देखते हैं कि जो लोग मसीही विश्वास का और बाइबल का खंडन करने की कोशिश करते हैं, वे जो बातें बोलते हैं वो क्यों गलत है और क्यों मसीही विश्वास और बाइबल का खंडन आज तक किसी ने नहीं किया है। इस पृष्ठभूमि के बाद हम आते हैं उत्पत्ति पर। अपने पिछले पाठ में मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी कि बाइबल की 66 पुस्तकों को 40 लेखकों ने लगभग 1500 साल में लिखा था। इसमें सबसे पहली पुस्तक 1450 ईस्वी पूर्व मूसा, प्रभु के महान नायक मूसा के द्वारा रचित है या मूसा ने इसकी रचना की है। पिछले पाठ में एक दो बार अनजाने मैं ये बोल गया कि 1450 ईस्वी में उत्पत्ति की रचना हुई है, उसके लिए खेद है। उम्र के साथ साथ इस तरह की गलतियां होती हैं। मेरे पाठक, मेरे श्रोतागण मुझे पूरा यकीन है कि मुझे माफ़ करेंगे। दरअसल बाइबल की जो पहली पुस्तक है उत्पत्ति, इसको प्रभु के महान नायक मूसा ने 1450 ईस्वी के आसपास लिखा था। 1450 ईस्वी के आसपास इसराइली जनता लगभग 20 से 30 लाख जनता को लेकर प्रभु के महान नायक मूसा मिस्र देश से या उस जमाने के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र से उनको बचाकर निकाल लाए थे, उस राष्ट्र की गुलामी से निकाल लाए थे। उनको गुलामी से निकाल कर लगभग 40 साल जंगल और मरुभूमि में उस जनता के साथ वे यात्रा करते हुए चले थे। ये जो लगभग 40 साल की अवधि है, इस अवधि में मूसा ने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें से पहला ग्रंथ अय्यूब है, लेकिन हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। बाइबल में ग्रंथों का जो क्रम है, उस क्रम के हिसाब से पहली पुस्तक उत्पत्ति है। और उत्पत्ति की रचना, चूंकि मूसा इसराइलियों को लेकर 1450 में निकले थे, तो 1450 के आसपास उत्पत्ति की रचना हुई है, ऐसा हम जो है अनुमान लगा सकते हैं। ऐतिहासिक तथ्य भी हमको यही बताते हैं कि 1450 के आसपास इसकी रचना हुई थी। इस पुस्तक के 50 अध्याय हैं और इन 50 अध्यायों का एक अवलोकन जरूरी है, जिसको हम अगले पाठ में करेंगे। मतलब अगले पाठ में हम इस पुस्तक का अवलोकन करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी इच्छा है कि एक बार इस पुस्तक का अवलोकन हम कर लेंगे तो ये पुस्तक क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है और ये हमको क्या पाठ देती है, इसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। मैंने जब से
इस पुस्तक का इस तरह से क्रमीकृत अध्ययन किया है, मैं कभी भी इस पुस्तक के पाठ को भूल नहीं पाया। प्रभु की कृपा जिसके कारण प्रभु ने मनुष्य को सब कुछ दिया, मनुष्य का बलवा और पतन जिसके कारण मनुष्य प्रभु की सजा को अपने ऊपर बुलाता है, लेकिन मनुष्य उसी प्रभु से जब याचना करता है तो उस मनुष्य को सजा देने के बदले प्रभु उसके ऊपर अपनी असीमित करुणा दिखाते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको हम बार बार उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं और प्रभु ने मदद की। तो अगला हमारा जो पाठ होगा उसमें उस उत्पत्ति के की जो रूपरेखा है और ये सारी बातें हम देखेंगे। प्रभु आपकी मदद करें।